नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम निषेचन और दोहरा निषेचन को पढ़ चुके हैं। आज हम भ्रूण कोष या इंडो स्पर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, इंडो स्पर्म, भ्रूण कोष को इंग्लिश में इंडो स्पर्म भी कहा जाता है। अगर हम इंडो स्पर्म की बात करेंगे तो इंडो स्पर्म जो होता है वह द्वितीय केंद्रक और एक स्पर्म के फ्यूजन से इसका निर्माण होता है। द्वितीय केंद्रक जो होता है वो एम्ब्रियोसाइट में पाया जाता है, जैसे इस चित्र में हम देख पाएंगे। मान लेते हैं ये एम्ब्रियोसाइट है, इस एम्ब्रियोसाइट का इस रीजन को हम मान लेते हैं कि ये माइक्रोपाइल रीजन है, माइक्रोपाइल रीजन है, और ये वाला जो है वो चलाजा रीजन है, चलाजा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस टाइप का अगर ओव्यूल बना रहे हैं, कुछ ऐसा ये ओव्यूल है, ठीक है, ये अगर ओव्यूल है तो जिस तरफ मुखद्वार होगा उसे हम माइक्रोपाइल कहेंगे, और उसका मुखद्वार के जस्ट अपोजिट साइड में चलाजा पाया जाता है और नीचे फ्यूनिकल है। तो माइक्रोपाइल की तरफ यहाँ पर तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो कोशिकाएं जो होती है उसे हम सिनर्जिक सेल कहते हैं, एक कोशिका ये वाली इसे हम एग सेल कहेंगे, एग सेल कहेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल कहते हैं, पोडल सेल कहेंगे। अब बीच में दो केंद्रक लिए हुए ये एक पूरी कोशिका, ये पूरी एक कोशिका है, ये पूरी एक कोशिका है। तो बीच में ये पूरा स्ट्रक्चर लिए हुए दो केंद्रक पाए जाते हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। यही द्वितीयक केंद्रक, ये दोनों द्वितीयक केंद्रक, या इसे हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और एक स्पर्म, एक स्पर्म, क्योंकि पोलन ट्यूब के द्वारा जब दो स्पर्म आते हैं तो एक स्पर्म एक सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा इधर एक स्पर्म जो होगा वो यहाँ पे एक सेल को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा स्पर्म जो होता है वो द्वितीयक केंद्र के साथ निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पे दो बार निषेचन हो रहा है इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो एग सेल और स्पर्म, स्पर्म ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट, जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल के किसमें परिवर्तित हो जाता है, इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन पोलर न्यूक्लियस और स्पर्म जो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंडो स्पर्म का निर्माण करते हैं, इंडो स्पर्म का निर्माण करते हैं। ये जो इंडो स्पर्म है ये 3N होता है, मतलब ट्रिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। इम्ब्रियो 2N होता है क्योंकि जायगोट यहाँ पे 2N है, 1N एग और 1N स्पर्म, ये दोनों मिलकर 2N जायगोट का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जायगोट 2N जायगोट है और जायगोट आगे चल के इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, इम्ब्रियो भी 2N होता है, लेकिन इंडो स्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, 3N होता है, ठीक है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया, जो इंडो स्पर्म है उसमें निषेचन की प्रक्रिया के बाद इंडो स्पर्म का निर्माण हो रहा है। इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया के बाद इंडो स्पर्म का निर्माण होता है, इसीलिए यह ट्रिप्लॉयड है या त्रिक संलयित है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में, एक स्लाइड लेते हैं, अगर बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म में तो एंजियोस्पर्म का प्लांट जो होता है, एंजियोस्पर्म का प्लांट जो होता है उसमें निषेचन के पश्चात, निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन के पश्चात, पश्चात किसका निर्माण होता है, इंडो स्पर्म का निर्माण होता है, इंडो स्पर्म, ठीक है। लेकिन जिम्नो स्पर्म प्लांट में, जिम्नो स्पर्म प्लांट में
निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है, वो हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो जिम्नो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है, 3N होता है, ठीक। अब एंजियोस्पर्म का कार्य क्या होता है? तो जैसे इसमें इसको तेज कर देते हैं, फिर उसके बाद अब एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया के बाद ही यहाँ पर एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है। तो कंडीशन बनी क्या है कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बन रहा है वो इस इम्ब्रियो में, जो ये इम्ब्रियो है, इस इम्ब्रियो में, इस माइक्रोपाइल की तरफ, जो एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ जो एम्ब्रियो बना हुआ है, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ जो एम्ब्रियो बनेगा उसको क्या है कि यहाँ पर जो ये एंडोस्पर्म है, कलर चेंज कर देते हैं एंडोस्पर्म का, ये जो एंडोस्पर्म है वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। पोषण कैसे प्रदान करेगा? क्योंकि एंडोस्पर्म में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। फूड मटेरियल क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर्ड होता है कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, ये सभी क्या है यहाँ पे? स्टोर्ड फूड मटेरियल है। किसमें? एंडोस्पर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है इसमें डिवीजन की प्रक्रिया होगी। डिवीजन की प्रक्रिया के बाद एक से दो एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। जैसे डिवीजन की प्रक्रिया हुई तो यहाँ पे एंडोस्पर्म, एक एंडोस्पर्म से दो कोशिका में परिवर्तित हुआ, फिर उसके बाद तीन, चार, आठ, है ना, लगातार डिवीजन की प्रक्रिया होती जाती है और इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और इनका कार्य यही होता है कि जो यहाँ पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को पूरे जीवन काल पोषण प्रदान करता है। अब जो सीड यहाँ पे बन रहा है, सीड जो बन रहा है, इस सीड में एंडोस्पर्म कब तक रहता है? क्या एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को डेवलप करते हुए ही पूरा समाप्त हो जाएगा, या फिर कुछ बच के रहेगा जो आगे भी काम आएगा? इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। इंडोस्पर्म कितने टाइम तक प्रेजेंट रहेगा उसके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा है इंडोस्पर्मिक सीड, जिसको कहा जाता है कि अभ्रूणपोषी बीज, होता है भ्रूणपोषी बीज। तो जो जो सीड ऐसे हैं, जो सीड ऐसे हैं कि वहां पर निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जो एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, जिन सीड में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर ही पूरा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या हो, समाप्त हो जाए, एंडोस्पर्म पूरा समाप्त हो जाए, तो इसे हम कहते हैं अभ्रूणपोषी, भ्रूण पोषी बीज, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कुछ हो कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में तो सहायता कर रहा हो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एंडोस्पर्म क्या हो, कुछ एंडोस्पर्म बचा हो, तो उसे हम कहेंगे भ्रूण पोषी, भ्रूण पोषी एंडोस्पर्म, ठीक है, भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज। अब ये जो भ्रूणपोषी बीज है उनका कार्य क्या होता है, और ये अभ्रूणपोषी बीज जो होते हैं उनमें क्या कार्य
अंतर होता है इसको भी हम देख लेते हैं। अब भ्रूणपोषी सीड में बात करेंगे तो जो भ्रूणपोषी सीड है उनका कार्य क्या होता है, जैसे जैसे यहां पर कोई मान लेते हैं कि ये कोई सीड है। अब भी चने का कुछ बीज ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा ये चना है, कुछ ऐसा ही उसका बीज होता है। अब इस चने के बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक है, एक बीज पत्र ये हो गया, दूसरा बीज पत्र ये हो गया, ठीक। मटर की बात करेंगे तो मटर में भी दो बीज पत्र पाए जाते हैं, इनको हम खोल के देखेंगे तो ये एक बीज पत्र ये हो गया, दूसरा बीज पत्र ये हो गया। लेकिन अगर हम धान की बात करते हैं, धान का जो सीड होता है उसमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, ठीक। अब जो फ्रूट्स ऐसे हैं या फिर जो सीड ऐसे हो, जब उनका अंकुरण होने लगे, उनको मान लेते हैं कि हम इनको इनकी हम बुआई कर दे रहे हैं, ठीक है, इनकी हम बुआई कर दे रहे हैं और इनका अंकुरण होता है। जब इनका अंकुरण होता है तो ये दो बीज पत्र के रूप में बाहर निकल आते हैं और इनकी जड़ें नीचे होती हैं। उसके बाद इसमें पत्तियों का विकास होता है। आप सीड देखे होंगे, सीड जो जब बोया जाता है उन्हें खेतों में, फिर उसके बाद उनका उनका अंकुरण दो तरह से होता है। एक कंडीशन तो ये बने कि इसकी जो दो बीज पत्र है, इनके दो बीज पत्र पहले बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पत्तियों का विकास होता है, ठीक है। अब बीज पत्र पहले बाहर क्यों निकलते हैं, क्योंकि इनका पूरा एंडोस्पर्म समाप्त हो चुका है, पूरा इनका भ्रूणपोष समाप्त हो चुका है। अब इनके पास पोषण के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो पहले ये जब इनके बीज पत्र बाहर निकल आएंगे तो ये बीज पत्र पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद फिर यहाँ पे भोजन का जब निर्माण हो जाएगा तब इनका डेवलपमेंट आगे चलेगा। लेकिन कुछ सीड जो ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही बीज पत्र पाया जा रहा है, अभी अब यहाँ पर ये जो बीज पत्र है इनका डेवलपमेंट कुछ ऐसा होता है, इसमें पहले जड़ें निकलेंगी, ठीक है, जड़ें निकलेंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे सीधे पत्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इनके पास पहले से क्या है, फूड मटेरियल उपस्थित है, इसलिए इनको फोटोसिंथेसिस पहले नहीं करनी पड़ रही है, सीधे क्या हो रहा है कि यहाँ पर पत्तियों का विकास होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो सीड पूरा अपना एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में समाप्त कर देते हैं उन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, स्पर्मिक सीड कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एंडोस्पर्म क्या कर रहे हैं, जो सीड अपने एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट के बाद भी बचा के रखते हैं उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, ठीक है। अब नॉन एंडोस्पर्मिक में कौन कौन से आते हैं, जो दलहनी फसलें हैं जैसे चना मटर, है ना, ये सब किस में आते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक में आते हैं। और इसकी बात करेंगे एंडोस्पर्मिक में, इसमें कैस्टर है ना, वीट मतलब अरंड गेहूं है ना, ये सारी चीज इसमें आते हैं। अब इस स्लाइड को हम देख लेते हैं, इसमें जो चीजें छूटी रहेंगी अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, तो भ्रूणपोष का कार्य यही होता है कि वो पोषण प्रदान करे डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को, ठीक है। इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन होता है ना। इसका निर्माण पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद होता है। अभी हमने देखा कि इसका निर्माण कब हो रहा है, निषेचन के बाद हो रहा है, इसीलिए कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड या त्रिगुणी संरचना वाला होता है, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि इसका निर्माण इंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है। भ्रूणपोष त्रिगुणी संरचना वाला होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज के अंकुरण
के समय उपयोग में आता है। इसका उपयोग कब होता है? भ्रूण का विकास और बीज के अंकुरण के टाइम पर इसका उपयोग किया जाता है। अब विकास तो इंब्रियो का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन बीज के अंकुरण के समय जो इनका उपयोग होता है उसके आधार पर इन्हें हम इन सीडों को दो भागों में बांट दिए हैं। एक है अभ्रूणपोषी बीज, दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी में जिनके भ्रूण पोष पूरी तरह से समाप्त हो जाए डेवलपमेंट के समय, जब उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे हम अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। लेकिन जिन सीड में भ्रूणपोष भ्रूण के डेवलपमेंट के बाद भी बचा रहता है, उन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड या भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। अभ्रूणपोषी में एग्जाम्पल क्या है? पी है, बीन है, और भ्रूणपोषी में एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, फीट, मेज, ये सारे भ्रूणपोषी के एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्रूणपोषी बीज की बात करेंगे तो अभ्रूणपोषी बीज जो है, इस प्रकार के बीज में भ्रूण परिवर्धन में पूरा एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है। ठीक है, और भ्रूणपोषी बीज में बीज भ्रूण परिवर्धन में पूरा एंडोस्पर्म खर्च यहाँ पर खर्च नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। खर्च नहीं होता है, कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है जो बीज अंकुरण के समय कार्य उसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, विकास के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। अब भ्रूणपोष जो तीन प्रकार है उसमें है एक केंद्रकीय भ्रूणपोष, पुष्कीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलिवेयर भ्रूणपोष। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कोई भी चीज इसमें जो समझ नहीं आ रही है कमेंट पे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका आगे का जो लेक्चर है अगले वीडियो में, आगे का जो भी पार्ट है इसका अगले वीडियो में हम देंगे।